मेरा नाम आजाद है। आजाद जी, हाँ। आज आपका स्टूडेंट शम्स राठौर इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपना शो खुद ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बच्चा है, जब 2 साल पहले आया था तभी इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, तो मुझे लगता था कहीं ना कि ये करेगा कुछ, और ये कर रहा है खुद से ऑर्गेनाइज, तो मुझे क्या पूरे बच्चों को खुशी हो रही है उस चीज़ के लिए। आज इसकी उम्र में, मतलब आज जितनी उम्र है इसकी, उससे बड़ा काम इसने करके दिखाया है। काफ़ी काफ़ी बड़ा उसने काम करके दिखाया। तो आपको कैसा लगता है इसके? नहीं, मुझे तो प्राउड फील हो रहा है, मेरा स्टूडेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? बस इस ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहे, आगे बढ़े, बस इतना ही कहूँगा इसके लिए। क्रिकेट में इनका क्या? नहीं, क्रिकेट में भी माशाल्लाह, मतलब 2 साल पहले जब आया था तो उस टाइम पे तो मतलब ना के बराबर था, फिर लॉकडाउन भी लगा, इसने लॉकडाउन में हर दिन, प्रेम सर भी थे, डेली वीडियो कॉल पे इसने, मतलब जूम पे हमारी क्लास हुई, उससे काफ़ी इम्प्रूव किया इसने खुद को। और क्या शम्स, क्या कहना चाहोगे सर? आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब क्या अच्छा लग रहा है सर? बोल दिया बस। क्या बोले? बोल दिया बस। सर के साथ आपको, मतलब करके कैसा लगता है? सर के साथ आप ना एंजॉय करते हो तो कैसा फील होता है आपको? और ये आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप मतलब कैसा फील करते हो आप इनके साथ? बहुत अच्छे। आप लोग शम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शम्स मतलब कैसे, वो चीज़ों को करना चाहता है, एक्साइटेड है, जैसे कोई नई चीज़ मिलती है तो वो करना चाहता है। क्रिकेट में भी वो मतलब एक रहता है ना कि लोग पीछे भागते हैं, वैसा नहीं, वो आगे आता है, करना चाहता है। अभी इतना बड़ा इवेंट एक कम उम्र में बच्चा कर रहा है, अगर उसके अंदर ये इच्छा नहीं रहेगी करने की तो कोई नहीं कर सकता, तो ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा है। शम्स का यही है कि हर चीज़ को उसका अंदर पैशन है हर चीज़ का, क्रिकेट के लिए भी इससे हमेशा टाइम दिया, फिर इसके बाद ये जिम भी जाता था, फिर स्कूल भी जाता था जब नया नया था, तो ये बच्चे अंदर ये देखा कि अपने आप इससे कभी फ्री नहीं रखा, हर चीज़ से इसने टाइम दिया, और उसके अंदर ये चीज़ करना बहुत बड़ी बात है इसके लिए, इसके हिसाब से, मतलब आज के टाइम के हिसाब से। जितनी इनकी एज है उससे बड़ा इन्होंने काम कर, काफ़ी बड़ा। मैं वही बोल रहा, बच्चा सोता कब है, जागता कब है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब हम लोग जूम लेते थे मॉर्निंग में, ट्यूशन ये वो, यहाँ तक कि फिटनेस क्लास, ये क्लास, तो ये हर चीज़ में मतलब वो था, तो ये अपने लिए क्या टाइम निकला, आज से मुझे ये समझ में नहीं आया। शम्स क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी नहीं, इससे शम्स के बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, शम्स के जो, शम्स ने क्या, जो हर इंसान मतलब अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहता, परेशान रहता, मतलब नहीं कर सकता, तो शम्स को देख के ना मोटिवेशन, मतलब हर लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। हम जानना चाहेंगे कि जो आपका जो प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए, तैयारी कैसी चल रही है? उसकी तैयारी हो गई, अभी फिनाले का लिए करना है अभी तैयारी। शम्स बहुत अच्छा लड़का है, मेहनत करते रहता है, जो भी बोलो वो करते रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब। आप कहाँ से? मैं वडाला से। वडाला से, ओके। तो शम्स के साथ में आप खेलते हो तो मतलब कैसा लगता है आपको? ये अच्छा लगता है, अच्छा बच्चा है, छोटा है, टैलेंट है उसमें? हाँ, टैलेंट है, जो भी बोलो वो करते रहते हैं। इतना छोटा, शम्स की बात बता रहा हूँ, शम्स ये उम्र का है, ये छोटे बच्चे में नहीं खेलता है, ये बड़े बच्चों में मैच खेलता है, बड़े लोग में खेलता है। इसको छोटे बच्चों में कभी इसको मैं वो नहीं किए, ये हमेशा पार्टिसिपेट बड़े बच्चों में किया, और बहुत 16 ईयर्स। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे भी वो फोकस करके करता है, और जो भी चीज़ उसको सर बोलते हैं वो करता है, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास कर रहे, नहीं, वो करता बहुत अच्छे से करता है, मेहनत काफ़ी करता है वो, बहुत मेहनत है। मेरा नाम आफ्ताब है। तो आपका क्या रोल है इनके मैच में? वो असिस्टेंट है मेरा। अच्छा, हाँ, मैं सर का असिस्टेंट हूँ। ओके ओके। और शम्स एक क्वेश्चन है आपसे, आप जैसे जितने भी छोटे बच्चे हैं आपके उम्र के, उनके बारे में आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे उनको? कुछ ऐसा कुछ मैसेज देना चाहोगे कुछ कि आप, आपसे देख कर मोटिवेट हो? नेवर गिव अप। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? आफ्ताब शेख। आफ्ताब जी, आपके स्टूडेंट शम्स राठौर जी आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मतलब वो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। शम्स का नेचर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कूल है, सुकून, अच्छे से वर्कआउट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से करता है, जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा ही करता है माशाल्लाह। जो वर्कआउट जो इनको जितना बोलते हैं, जैसे पुशअप हो गया है तो पुशअप में थोड़ा सा वीक है, लेकिन मेहनत माशाल्लाह बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी फंक्शनल ट्रेनिंग में तो इतना है कि जैसे अगर मैं अगर बोल दूँ कि सिर्फ आप 15 मिनट करो या 20 मिनट, तो कंटिन्यू 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक ऐसा कंटिन्यू हो जाता है। और
कभी कभार तो टारगेट ऐसा होता है कि 2 से 2.5 घंटा इनका वर्कआउट होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिम जो है 17-18 इयर्स के बाद की जाती है, लेकिन ये बच्चा अभी 11 इयर्स का है, तो अभी से ये जिम कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई नहीं। जो आप बता रहे हो कि जिम का ना, वो वेट ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, और शम्स को फंक्शनल ट्रेनिंग होती है जो सिर्फ वही कराई जा रही है, इसमें वेट्स नहीं है, फ्री वेट्स है, एक्सरसाइज करा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो उसमें क्रिकेट का कितना ताल्लुका है? क्रिकेट का तो उससे, क्रिकेट में क्या एनर्जी थोड़ा है, रनिंग के हिसाब से हो जाता है। 2 दिन तो शायद मैं बिजी रहूँगा तो नहीं आ सकता, लेकिन इसकी फिनाले वाले दिन इसकी बर्थडे भी है, उस वक्त तो मैं ज़रूर आऊँगा, और जितना हो सकेगा मैं दोनों दिन जो है वहाँ आने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि इसके साथ रहना मुझे भी अच्छा लगता है और इसे भी बहुत अच्छा लगता है। शम्स, क्या कहना चाहोगे आज आपके जिम के ट्रेनर के साथ में बैठे हैं, आपके गुरु हैं ये, आपको वर्कआउट सिखाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप इनके बारे में? अच्छे से ही सिखाते हैं, वैसे बहुत अच्छे से सिखाते हैं, अभी जितने भी फिटनेस है फुल स्ट्रेचेबल हूँ मैं, अभी शॉर्ट्स लगते हैं अभी मेरे, वो सब इनकी वजह से लगते हैं, मेरे जो ट्रेनर है उनकी वजह से लगते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो रही है। क्रिकेट में इसका कितना फ़ायदा पहुँच रहा है तुम्हें? फ़ायदा तो बहुत पहुँच रहा है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मेरे शॉट्स बहुत लगते हैं, अभी सेंचुरी हर मैच में आनी पक्की रहती है, ऐसे लगते हैं। सर को क्या आप बोलना चाह रहे हो? आपका शो इतना बड़ा आ रहा है, हमने गली गाए थे, 3 दिन का शो है, 3 दिन के 3rd दिन फिनाले होगा और उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं, तो सर को क्या आपने बताया अपने शो के बारे में, बताइए? सर को तब तक के मैंने बहुत कुछ बताया है फिलहाल के लिए, कि जो शो है वो ऐसे ऐसे रहेगा। किस तरह का शो है, क्या है, क्या कहना? ये शो में 3 तरीके के प्रोसेस रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा पूल पार्टी, दूसरा रहेगा टैलेंट राउंड, और तीसरा रहेगा रैम वॉक। आपके फिनाले में फिटनेस का कोई जिक्र रहेगा या? हाँ, योगा कराएंगे। हाँ शम्स, ये बताइए आप कि आपका जो 3 दिन का शो है उसमें शायद फिटनेस और योगा सारी चीज़ें उसमें आप करने वाले हो, तो क्या क्या कहना चाहोगे? आपने क्या क्या टिप्स लिया है, जो आपके ट्रेनर्स जो रहेंगे शो पे, आप क्या क्या उनको टिप्स बताए आपने? अभी तक के जो मेरे ट्रेनर है, जो मेरे गुरु है, उनने बहुत सारी टिप्स बताई है, जो कि जो ट्रेन है, जो कॉन्टेस्टेंट्स उन लोगों को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनर वाले आ रहे हैं, मैं उसको टिप्स दूंगा कि ऐसा कराने से कि ऑल स्ट्रेचेबल लगेगा दूसरों को कॉन्टेस्टेंट्स। सर, मैं ये आप पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है शो में, कोई भी एज का वहाँ पे कंटेस्टेंट आ सकता है, तो उस एज के लिहाज से आप क्या टिप्स देना चाहोगे शो के लिए? सर, ये ऐसा है कि एज के हिसाब से ही वर्कआउट कराया जा सकता है, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको फ्रीलांसिंग की वजह से जैसे जंपिंग हो गया और नॉर्मल पुशअप हो गया, पुलअप्स वगैरह बच्चे कर सकते हैं, बड़े लोग जो है उनको वेट ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, और बड़े लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एज कि ये एज में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एज कुछ भी हो आप बेफिक्र होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।